हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की बड़ी भर्ती के बारे में। जी फ्रेंड्स, कुल पद की बात करें तो 9524 पदों पर अभी जो है जिला वाइज आप लोग का भर्ती लिया जा रहा है। हमारे बिहार के सभी पंचायत और सभी ब्लॉक में यह भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया से आप लोग का लिया जाएगा, जिसके लिए तीन अलग अलग पद आप लोग का रखा गया है। पहली पद की बात करें तो पंचायत शिक्षक और शिक्षिका जो कि पदनाम है आप लोग का, इसमें आप लोग का योग्यता मैट्रिक पास रखा गया है। वही दूसरी पद की बात करें तो प्रखंड प्रभारी पद के लिए आप लोग का यहाँ पे इंटर पास मांगा गया है। तीसरी पद की बात करें तो जिला प्रभारी पद के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन मांगा गया है। तीन अलग अलग पदों पर ऑनलाइन प्रक्रिया आप लोग का शुरू हो चुका है। तो स्पेशल इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे, फुल इन्फॉर्मेशन क्या है इस जॉब की सच्चाई, और साथ ही साथ आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शॉर्टकट तरीके से आप लोग को बताएंगे इस वैकेंसीज की पूरी सच्चाई। आइए जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने जो है पीडीएफ पे आ चुके हैं जो कि जारी किया गया है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे सबसे पहले सच्चाई के बारे में, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग को बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप लोग अपना अपना कमेंट देख ही जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दें जिलावार भर्ती है, बिहार के 38 के 38 जिलों में जो है तीनों पदों के लिए आप लोग का यहाँ पे जो है पोस्ट संख्या भी आप लोग का रखा गया है, देख पाएंगे यहाँ पे। तो इसी प्रकार अगर नीचे आएंगे तो देख पाएंगे सभी जिले के लिए है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डियर फ्रेंड्स बता दें पूरी सच्चाई की, अभी आप लोग का जो भर्ती है, ये जो वैकेंसीज है, ये जो रिक्रूटमेंट है हमारे बिहार में आई हुई है, पूरी तरह से फर्जी है। सभी जो है बिहार के छात्र को गुमराह किया जा रहा है और सभी को जो है फंसाया जा रहा है, ठीक है। किस प्रकार से प्रूफ के साथ बताएंगे, इसलिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे पदनाम के, तो ध्यान देंगे आप लोग, समझेंगे और यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। पहली पद आप लोग का जो है पंचायत शिक्षक और शिक्षिका का, तो आप लोग को बता दें इसमें आप लोग का एजुकेशन रखा गया है मैट्रिक पास। इसी तरह आप लोग को बता दें प्रखंड प्रभारी का, जिसमें इंटर पास, और जिला प्रभारी जिसमें आप लोग का ग्रेजुएशन पास। तो आप लोग ही यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कभी क्या शिक्षक के लिए आप लोग का मैट्रिक पास रखा जाएगा, बिल्कुल भी आप लोग का जो है यहाँ पर मैट्रिक पास नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग इसी तरह देख पाएंगे पूरी फेक हो रहा है। इसी तरह प्रखंड प्रभारी जो कि अपने आप पे एक बड़ा पोस्ट है, ठीक है, इसमें आप लोग का ओनली इंटर पास रखा गया है। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे जिला प्रभारी, जिले के जो है प्रभारी होते हैं उनके लिए मात्र जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्नातक पास रखा गया है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए हैं पूरी तरह से फर्जी है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी लेके आप लोग को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें जो कि फर्जी का पूरा जो है एक बड़ा प्रूफ कुछ इस प्रकार से, जो भर्ती है आप लोग का पूरा डिटेल पूरा वेरो दे दिया गया है कब क्या होगा। तो पहले स्टार्टिंग डेट दिया गया कि आप 13 से अप्लाई होगा, उसी के साथ क्लोजिंग डेट, एडमिट कार्ड डेट, एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, कॉल लेटर डेट यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका डेट, ज्वाइनिंग डेट, जॉब कंफर्मेशन डेट, ये सारा दे दिया। अगर बिहार सरकार का होता तो डियर फ्रेंड्स आप लोग इतना आप लोग को इतना ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, दो ही ऑप्शन कब से अप्लाई होगा, कब लास्ट डेट है, ठीक है, यही तक सीमित रहता है। एडमिट कार्ड के लिए जो है बरसों आप लोग का इंतजार करना पड़ता है, एडमिट कार्ड आ भी जाए फिर आप लोग का एग्ज़ाम आएगी, एग्जाम डेट कैंसिल होगी। इसी तरह जो हर एक वैकेंसीज में बिहार का जो ओरिजिनल होते हैं उसमें हुआ करते हैं, लेकिन इसमें आप लोग का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। तो इसी तरह आप लोग को बता दें कुछ दिन पहले नल जल ETC करके जो है एक वैकेंसी आई थी, नल जल ऑपरेटर, जो कि फर्जी वेबसाइट थी, और बिहार सरकार उस वेबसाइट के खिलाफ उस जो है जो स्कैम किए हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई के लिए जो है आदेश भी जारी कर दिया गया है। उसके तत्पश्चात आप लोग को बता दें अभी और एक जो है भर्ती आई हुई है कुछ इस प्रकार से, अभी वायरल हो रही है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को बता दें, उसमें भी जानकारी आप लोग को दिया गया है, आइए बताते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ इस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि हमारे संगठन किसी प्रकार की भी जो है लेन देन, यानी कि मतलब किसी प्रकार भी जो है कॉल, मैसेज, ईमेल द्वारा पैसे की बात नहीं करती है। यदि ऐसा कुछ है तो तुरंत जो है संपर्क करें संगठन से या फिर नज़दीकी थाना पे जो है संपर्क करें। यदि इसके जो बावजूद आप फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ऐसा जो है वेबसाइट में लिखा गया है। तो आप लोग को बता दें ऐसा वही लोग लिखते हैं जिनके मन में खोट होता है, और बिहार सरकार की आप जो है कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा कुछ देखने को उनको आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप लोग वेबसाइट में नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ लिंक दिया गया है, फेसबुक का एकदम नीचे देख पाएंगे, यूट्यूब का, इस सब लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, लेकिन यहाँ पे लिंक वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को साफ साफ बता दें इस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई ना करें, सतर्क रहे, अटल
अलर्ट रहे और दूसरी को भी बताएं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग को जो है ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो किस प्रकार से लगी है। और बिहार से रिलेटेड वैकेंसीज की जानकारी जानना चाहते हैं जो कि रियल होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डेली बाय डेली जो एजुकेशनल न्यूज़ होती है बिहार से रिलेटेड, वो आप लोग को देते हैं हमारे फेसबुक पेज में जानकारी। पेपर कटिंग का न्यूज़ डेली बाय डेली जो भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट आती है, तो फेसबुक का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और पीडीएफ के लिए जो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। इसी के साथ और भी जो है जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को इतना ही जानकारी देना था, अलर्ट करना था, ताकि आप लोग जो है इस जो है वैकेंसीज का शिकार ना हो, यहाँ पे फर्जीवाड़ा का शिकार ना हो, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बिहार की और एक अपडेट के साथ जो कि रियल होगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।